लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह देरा में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में HPCA ने पूरे प्रदेश में 70 क्रिकेट सब स्टेशन खोलने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को क्रिकेट सेंटर में खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनकी छुपी हुई खेल प्रतिभा को उभार कर भविष्य में ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो कि आने वाले समय में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में उनके संसदीय क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किए हैं वह पिछले 70 साल में किसी भी सांसद द्वारा नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में पहले कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन अब हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, बिलासपुर में AIIMS खुल रहा है और ऊना में PGI सैटेलाइट सेंटर खोला जा रहा है। इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र में कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा। इसके साथ ही कई नवोदय स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेल नेटवर्क को बढ़ाते हुए नंगल ऊना रेल लाइन को तलवाड़ा के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही ऊना हमीरपुर रेल लाइन का सर्वे कार्य चल रहा है जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को केंद्र सरकार ने 24 नेशनल हाईवे दिए हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इसकी DPR तक नहीं बनाई। अब जबकि हिमाचल में BJP की सरकार बनी है तब इनकी DPR का कार्य शुरू हो रहा है। विधानसभा की पानी सड़क से लेकर बाकी योजनाएं विधायक के माध्यम से होंगी। अगर हम पंचायत के प्रधान से विधायक के चुनाव तक डटे रहेंगे तो फिर बाद में नारा देंगे देरा कोई नहीं तेरा, तो फिर क्या होगा। पिछले 2.5-3 साल में मुझे नहीं लगता कोई महीना ऐसा जाता होगा जब मैं और रवि जी और साथ में विक्रम ठाकुर जी को लेते थे। दिल्ली जाओ तो फॉरेस्ट क्लियरेंस के केस कराओ, प्रदेश सरकार से जमीन के बाकी काम की बात करो। फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने कैसे कराई इसका मैंने पहले भी कई बार यहां पर उल्लेख किया। राज्य की सरकार उस भूमि का निशानदेही तक 3 साल में 5 साल में नहीं कर पाए। फॉरेस्ट क्लीयरेंस के 2 साल तक जो पैसा खजाने में जमा कराना था वो प्रदेश की सरकार ने जानबूझकर देरा के लिए नहीं करवाया, लेकिन आपकी वोटिंग यहां पर होगी उसके 10वें दिन जाकर पैसा जमा करा दिया। इससे बड़ा राजनीति विकास के नाम पर कांग्रेस ने और क्या करनी होगी।